ओ जी सेवक ने चरणों में लीजो सेवक ने चरणों में लीजो रे। अब सभी का संदेश मारोड़ो संदेशो मारा गुरु जी ने कहियो भारोड़ो संदेशो भारा गुरु जी ने कहियो भारोड़ो संदेशो मारा गुरु जी ने कहियो दोनों हाथों को उठा दे बड़ी सत्य गुरुदेव की तो पहली बार अरे काया रो देवण भान लावे पाचो काया रो देवण काया रो देवण भान लावे पाचो हे गुरु महाराज काया रो देवण कायारो देवण माने लागे है काचो। हे गुरु महाराज और जो शरीर रूपी मंदिर है वो हर समय इस शरीर में मिटने को भय है, हर समय अंदर में एक भय है कि कदे न कदे दुनिया मुझसे जानो है। और हे बाप जी ऐसी कृपा कर दो कि अंदर में जो बार बार भय जाग रहे हो इस भय से मुक्त हो जाओ, मरने का भय जो लगता है उससे मुक्त हो जाओ। और इसलिए काया रो देवण माने लागे साचो रो संदेशो भारा गुरु जी ने कहियो भारोड़ो संदेशो मारा गुरु जी ने कहियो।
काया तजने हंसो उड़ी कठे जावे करोड़ों लोग इस दुनिया ने छोड़कर गया। आज तक कोई आदमी जो समाचार पत्र चिट्ठी पत्री नहीं आई कि बेकटे गया है, किसी ने ये संदेश नहीं भेजा वहां से कि वो कहां गए हैं। और जब हम किसी को कहते हैं कि साहब गया तो हम आसमान की तरफ देखते हैं, पर आसमान में तो ऐसी कोई जगह ही नहीं कि जहां पर आत्मा रहे। और ये सच्चो ज्ञान जब आत्मा की चेतना प्रकट होती है, सुरता आत्मा जब जगती है, और इन सारे प्रश्नों का खोजने के लिए, उत्तर खोजने के लिए गुरु की कृपा होना आवश्यक है। संतो जी महाराज कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, काया तजने हंसो उड़ी कठे जावे। वो घड़ी माने बतला दी जोरे, मारोड़ो संदेशो मारा गुरु जी ने कहियो, मारोड़ो संदेशो मारा गुरु जी ने कहियो, सेवक ने चरणों में ली जोरे, सेवक ने चरणों में ली जोरे, मारोड़ो संदेशो दोनों हाथों को उठा के बड़े धन्यवाद की महाराज की। ब्रह्म स्वरूपी ब्रह्म स्वरूपी माने निजर नहीं आवे, ब्रह्म स्वरूपी माने निजर नहीं आवे। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आपको हमको नाम से पुकारा जाता है कि किसी का नाम प्रकाश है, किसी का नाम नैनाराम है, किसी का नाम ओम प्रकाश है, कोई श्याम पालीवाल है, कोई गजेंद्र है, कोई प्रेम है, कोई प्रकाश है, आप सभी का भी नाम है। तो क्या आप जो दिख रहे हो वो आप हो क्या? आपकी आंखें देख रही है पर देख कौन रहा है? आप बोल रहे हो पर बोल कौन रहा है? आप चल रहे हो पर चल कौन रहा है? आप पढ़ रहे हो पर पढ़ कौन रहा है? और इसीलिए महापुरुषों ने उस सत्य को खोजने के लिए गुरुओं की शरण ली, क्योंकि तो संतों ने तपस्या के बल पर अपनी कुंडलिनी को जागरण किया है।
अपने प्राणों को नाभि से चढ़ाकर सहस्त्रा चक्र तक चढ़ाया है और उन्होंने उस ब्रह्म रूप को देखा है। भक्त उसी ब्रह्म रूप को देखने के लिए गुरु से विनती करते हैं कि हे गुरुदेव ऐसी कृपा कर दो कि अंदर को ब्रह्म दिख जावे, अंधकार मिट जावे। ब्रह्म स्वरूपी माने निज भारा गुरु जी ने कही दो, भारोड़ो संदेशो भारा गुरु जी ने कही दो, हे तो भारा गुरु जी में तो हरि गुरु संतो जी बोला, दुई कर जोड़े गुरु संतो जी बोला। और हे गुरुदेव मुक्ति रो मुक्ति रो मार्ग माने दी जोरे, मुक्ति जब दूसरा भजन में साथ ही प्रस्तुत कर रहा हूं कि गुरुदेव की कृपा हो गई तो यह पता चल गया कि प्रेम प्रीत सच्ची प्रीत गुरु महाराज रही, दुनिया में सारा रिश्ता नाता झूठा। कोई साहब नहीं साहब लुगाई के साथ में सात फेरा लिया है वो तो बिल्कुल मेरी पतिव्रता नारी है, तो कभी छोटी सी चूक पड़ जा तो वो पत्नी भी हमारे सामने हो जाती है। माता पिता ने जन्म दिया लेकिन यदि बेटो बड़ो हो जा, यदि मजूरी नहीं करे तो माँ बाप के कहते बेटा तू न्यारो हो जा, तो भी स्वार्थ जोड़ा। मित्र है बहुत अच्छा मित्र है, जीवन मरने के वादे साथ में करता है और कभी कोई चूक पड़ गई तो वो मित्रता दुश्मनी में बदल जाती है, रिश्ते नाते सब झूठे। तो एक प्रीत सच्ची और वो गुरु महाराज री।